एक अभिषा सर, ये जानना चाहूंगा कि ये कौन लोग हैं जो भारत की अगर क्रिकेट के मैच के दौरान हार होती है तो पटाखे फोड़ते हैं, पुलवामा अटैक्स होते हैं तो भारत की जो सेना है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है तो सबूत मांगते हैं। ये कौन लोग हैं, उनकी सजा क्या है, कब तक इन लोगों को इसी तरीके से फलते फूलते रहने दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से CDS श्री विपिन रावत जी को मेरी श्रद्धांजलि है, साथ में और भी जितने जवान शहीद हुए हैं सबको कोटि कोटि नमन है, अंतिम प्रणाम है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये कोई नए लोग नहीं है जनाब। अगर आप जा करके थोड़ा पहले देखिए और हजारों साल इतिहास को आप देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो लोग है जिनको आप बोल सकते हो कि मीर जाफर है, ये वो लोग हैं जिनको बोल सकते हो जयचंद हैं। अगर ये मीर जाफर या जयचंद नहीं है तो कम से कम उनकी ये नाजायज औलादे जरूर हैं, जिनके खून में इस देश का रंग नहीं बहता है तो ये उनकी नाजायज औलादे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की पुलिस को बताया था कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं प्रयागराज में। ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि झांसी की रानी क्या कर रही है और वो जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी। रही बात इनका इलाज क्या होगा, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये लोग कोई नए नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि ये वही लोग हैं। आप इनको जयचंद बोलिए, आप इनको मीर जाफर बोलिए, अगर जयचंद या मीर जाफर नहीं बोलते हैं तो ये उनकी नाजायज औलादे हैं, बेशर्म औलादे हैं, जिनके जो है रगों में इस देश का खून, इस देश का रंग नहीं बढ़ता है, ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये वही लोग है, ऐसे लोग पहले भी झांसी की रानी की मुखबरी इन्हीं लोगों ने की थी, शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी इन्हीं लोगों ने की थी, और इवन जब भगत सिंह वगैरह जैसे लोगों को फांसी हो रही थी तो इनके बाप दादा वहां पे भी पड़े हुए थे और खुशियां मना रहे थे। इतने बेशर्म, एक बेशर्म नस्ल इस देश में, एक बेशर्म खून जो है बेशर्म नस्लों के अंदर बह रहा है हजारों साल से, और जो इस देश को, भारत माता को बार बार पीड़ा दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम पहले भी नहीं जागे, हम पहले भी नहीं चेते, और अभी भी ये चीजें इतने धड़ल्ले से हो रही है। आज जहां पूरा देश तो छोड़िए, विदेशों के लोगों की भी आंखें नम है, और मिलिट्री और वॉर से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स या उसमें इंटरेस्ट रखने वाले जितने इंटेलेक्चुअल होते हैं वो उनकी वीरता को सलामी दे रहे हैं, कोटि कोटि उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनका यशगान कर रहे हैं। और अपने ही देश के ऐसे बेशर्म एक ऐसी नस्ल पड़ी हुई है जो कि सोशल मीडिया पे पटाखे फोड़ रही है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मजाक वाले इमोजी खुल्ला खुल्ला लिख रहे हैं इस चीज के। और यही है कि मिश्रा जी, समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना बेखौफ कैसे हो गए, इतने निडर कैसे हो गए कि खुलकर बता रहे कि देखिए देखिए इसमें है क्या। ये बिल्कुल भी जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, यहाँ पे समझना चाहिए। हुआ क्या, जब हमारे देश की जनता जागरूक थी तब ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगा रहता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राजा छत्रसाल, उन्होंने सड़क पे ही, वो घटना में डिटेल नहीं बताऊंगा, एक आदमी का सर कलम कर दिया, वो भी ऐसे ही गंदी नस्ल का कीड़ा था और सड़क पे ही कुछ इस तरीके की बदतमीजी कर रहा था, और राजा छत्रसाल की उम्र मुश्किल से 13-14 साल थी। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, ऐसे ही लोगों को तो सबक सिखाया। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, ऐसे ही लोगों को सबक सिखाया। सवाल ये है कि ये ऐसे लोग मच्छर की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा यहाँ पे सेक्युलरिज्म हो गया, जरूरत से ज्यादा लीनियंसी हो गई, बोलने की आजादी, हम आजाद हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी करें, कर्तव्यों का ज्ञान रहा नहीं। और इन सबसे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण ये है, इन लोगों का, ऐसे लोगों का तो मैं ये बोलूंगा सर तन से जुदा होना चाहिए, इनका कोई इलाज नहीं है, इनके नसों में गंदा खून बह रहा है। एके मिश्रा जी, होता क्या है, नहीं होंगे एके मिश्रा जी, होता क्या है कि जब इनसे पूछो कि ये क्या है तो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इनका एक नया चला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो झुंझुना है उसको बजाने लगते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये।
नहीं नहीं उसका झुंझुना है, तो उसके अगेंस्ट एक फ्रीडम ऑफ एक्ट का जो है गवर्नमेंट के पास जो है ढोल भी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हालांकि ये घटना ज्यादा चर्चा में नहीं रही, दो घटना जब धारा 370 हटी ना, तो वहां पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के भरोसे लोग बैठे हुए थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है वो है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया और सोशल मीडिया के थ्रू ही वहां ऐसे लोगों की पहचान की गई जो भारत सरकार की खाते से सरकारी नौकरियों में थे लेकिन काम भारत सरकार के खिलाफ कर रहे थे, देश के खिलाफ कर रहे थे, उनका इलाज पक्के तरीके से किया गया। उत्तर प्रदेश में यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी के हो, पाकिस्तान के जीतने पे पटाखे फोड़ने पे उनका अच्छे से इलाज हुआ। इतना जरूर मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया के कारण ऐसे गद्दार बाहर निकल करके आ रहे हैं। भारत सरकार से मैं अपील करूंगा, सरकार किसी की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, अगर स्टेट लेवल की सरकार, क्योंकि ये सेंटर से रिलेटेड है, सीडीएस साहब बिपिन रावत जी जो है पूरे देश के थे, किसी स्टेट के नहीं थे, इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो जो बहुत चिल्लाते हैं, इस चीज में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुओ मोटो का अपना पालन करते हुए, उनके पास भी अधिकार है, उनके पास भी पावर है, उसका प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पे ऐसे जितने एलिमेंट आईडी हैं उनको पहचाना जाए और उसके बाद किया क्या जाए, इनको ऐसा सबक सिखाया जाए, सबक कैसे सिखाया जाए, इनकी नागरिकता रद्द की जाए या प्रभावहीन कर दिया जाए, इनके वोटिंग राइट जो है छीन लिए जाए, किसी भी इलेक्शन में किसी भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या जो सरकारी सहायता मिलती है उन सारे सहायताओं से इन लोगों को वंचित कर देना चाहिए। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पहले कैरेक्टर उनका देखना चाहिए, उनको जो है सरकारी सहायता, सरकारी सुविधाओं, टैक्स पेयर के पैसों से जो चीजें बनती है, टैक्स पेयर के पैसों से ही हमने अपना खून पसीना बहा के, पैसा तो छोड़िए, हमने अपनी मिलिट्री तैयार की है, किसी बाहरी ने तैयार नहीं की है। ये जो जवान इतने निर्भीक, इतने वीर जवान जो होते हैं, उसके लिए भारत माँ की एक बहू, एक बेटी 9 महीने जो है कितनी पीड़ा झेलती है, तब जाकर के एक ऐसा वीर जवान जो है पैदा होता है। ये तो उन माओ का भी मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने ऐसे वीर जवानों को पैदा किया हुआ है। इनको सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है, सारे एक नागरिक के जो सामान्य मूलभूत अधिकार होते हैं उन सारे अधिकारों से इन लोगों को वंचित करना चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए सोशल मीडिया पे, सरकारी वेबसाइट पे, कि ये ऐसे ऐसे लोग हैं और भारत सरकार ने इनकी ये सहायता या ये अधिकार सीज कर दिए गए, अधिकारों को डिसमिस करना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एके मिश्रा साहब, एक और चीज है कि आपको पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, 2012-13 की बात करूं तभी से सोशल मीडिया इतना ज्यादा निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावशाली हुआ, उससे पहले ये लोग तो काफी वर्षों से इसी तरीके से काम कर रहे होंगे, उससे पहले इनको पकड़ना भी मुश्किल था, नहीं, अब तो पहचान होने लगी इन लोगों की आसानी से। देखिए है क्या, मैंने आपको इसीलिए मीर जाफर और जयचंद का नाम लिया, ये हजारों साल से यहाँ पे कुछ ऐसे गंदे खून है जो कि रगों में बह रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हजारों साल पहले के उदाहरण हैं जिसको कि बताया जा सकता है। सवाल ये है, सोशल मीडिया ये काम पहले भी करते थे, अगर मान लीजिए उस वक्त पत्रकारिता की प्रिंट मीडिया था, रेडियो था या जो भी था, ये काम तब भी करते थे, ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं होते थे, तब चीजें इतने जल्दी एक्सपेंड नहीं करती थी, पब्लिक को पता नहीं चलती थी। सोशल मीडिया के कारण तो अब तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, केवल भारत के सरकार को ही नहीं, पब्लिक को और इसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये कौन लोग हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इनकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्डेड है और नोट है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि बड़े आसानी से ऐसे गंदे खून को बिना डीएनए टेस्ट किए हुए पहचाना जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार या प्रदेश की सरकारें जो सेंसिटिव होंगी, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जो भी हो, अगर वहां के मुख्यमंत्री को उनके पूरे शरीर में अगर एक रत्ती भर, एक बूंद भी खून अगर इस देश का होगा, तो वो इस पे एक्शन जरूर लेंगे और उसको, इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी भी स्टेट में हो। बिल्कुल। और एके मिश्रा साहब, एक और चीज है कि जब भी इनको, काफी लोग जो है इन खबरों को उठाने से बचते हैं, क्योंकि दरअसल मसला क्या होता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ आप नजर आते हैं कि आप उस धर्म को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट दरअसल धर्म को नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति को कर रहे हैं जो व्यक्ति इस तरीके की चीज कर रहा है। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि सेंसिटिव हो जाता है मैटर कि आप एक धर्म विशेष को, एक रिलीजन को, स्पेसिफिक रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि मसला आता है कई पत्रकारों और लोगों के सामने।
नहीं देखिए कि सवाल ये सांप्रदायिक है कि साउंड ना करने लगे हम, इसको हिंदू जरा मुस्लिम करते नहीं हुए इसको साउंड ना जरा करने लगे। खुल करके हम बात कर ले। अगर टारगेट सनातन को किया जा रहा है तो उसको बोलने में क्या है, तो क्या ये बोला जाए कि जो हमारे सीडीएस साहब शहीद हो गए या हमारे सैनिक जो शहीद हो गए सौरभ कालिया की घटना, जो हमारे वीर जवान थे उनके शरीर के साथ क्या हुआ था, अगर ये उसको धर्म के साथ कर रहे हैं तब तो ये और बड़ा गुनाह है, ये अक्षम्य गुनाह है। इसका मतलब है कि वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो सनातनी था वो हिंदू था, एक मेजॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं जो लाखों साल से यहाँ पे परंपरा है, तब तो ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर वो उसमें धर्म का एंगल देखते हैं, वीरता से, शहादत से, कौन से धर्म का या देश प्रेम से कौन से धर्म का क्या रिलेशन है, कौन सा धर्म, अगर कोई भी धर्म अच्छा है तो वो कौन सा धर्म ये बोलता है कि आप अपनी देश की रक्षा मत करिए, या कौन सा धर्म बोलता है कि आप गद्दार बन जाइए, जो धर्म ये बोलता है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके साथ गद्दारी करिए, उनके साथ यही होना चाहिए था जो राजा छत्रसाल ने किया था 14 साल की उम्र में, जो शिवाजी ने किया था, इससे नीचे तो न्याय होगा ही नहीं। इससे नीचे आप करते हैं तो ये बोल करके कि जी अभी तो वो नाबालिग है, वो बहके हुए बच्चे हैं, वो गुमशुदा नौजवान है, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। ये गुमशुदा नौजवान नहीं है, ये वो खून है जो भारत के कुछ पीढ़ियों में, कुछ फैमिलीज में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और उसको साफ करना, शिरावेद एक टेक्निक होती है आयुर्वेद में, वो करना बहुत जरूरी है। जब तक रक्त का शुद्धिकरण नहीं होगा, ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे बेशर्म लोग यहाँ देश में पड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब इतना खुलकर बात करने के लिए और हमको तमाम जो बातें हैं उनको थोड़ा क्लैरिटी मिलाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के जी। थैंक यू, थैंक यू। तो ए के मिश्रा साहब से हम बात कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने एक चीज खुलकर बता दी कि इस देश में ये जो लोग हैं जो इस तरीके के कारनामे करते हैं, बेशर्मी की इंतहाई करते हैं, देशद्रोह करते हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ये है कि उनके नागरिकता के राइट्स छीने जाने चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनके वोटर राइट्स डिसमिस हो जाएंगे।